नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस रहस्यमय चैनल में मैं आपका दोस्त ओम आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अफ्रीका में घटित हुई एक बेहद डरावनी घटना के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बात उन दिनों की है जब पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नाइजीरिया अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था। आज हालांकि वहाँ स्वतंत्रता है, लेकिन उस समय वह अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में था। सन 1930 में जब अंग्रेज सरकार ने फ्रैंक हीव्स नाम के एक अंग्रेज अफसर को वहां का कमिश्नर बनाकर भेजा, तो उसे वहां पर ऐसी प्रेत लीला के दर्शन हुए जो किसी के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। फ्रैंक ने अपने साथ घटित होने वाली इस भूतिया घटना को प्रकाशित भी करवाया। उसके ये संस्मरण आपको स्वयं उसके द्वारा लिखित पुस्तक जूजू एंड जस्टिस इन नाइजीरिया में पढ़ने को मिल जाएंगे। एक और किताब है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस इनटू इन्फिनिटी एज सीन बाय फ्रैंक हीव्स। इस पुस्तक में भी इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है। यह दोनों पुस्तकें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो हुआ यूं कि फ्रैंक वहां किसी सरकारी काम से इसुइंगू नामक स्थान पर गया। वहाँ एक पुराना और टूटा फूटा सा डाक बंगला हुआ करता था। फ्रैंक को एक रात रुकना था वहाँ पे, सो उसने उसी डाक बंगले में रुकने का निर्णय लिया। नाइजीरिया के उस क्षेत्र में और उसके आसपास इसुओरगु कबीले के आदिवासी रहते थे। वो लोग इस डाक बंगले के प्रेतग्रस्त होने के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जब उनको पता चला कि नया आया अंग्रेज अफसर आज की रात उसी डाक बंगले में रुकने वाला है, तो उन्होंने साहब को समझाने की पूरी कोशिश की कि यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं होगा, जान का खतरा हो सकता है, भयंकर शैतानी प्रेतात्मा का निवास है यहाँ, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के जवाब में फ्रैंक केवल हंसा और देर तक हंसता रहा। उसे उन आदिवासियों का भोलापन भी अच्छा लगा, क्योंकि उन आदिवासियों ने उसे अपने यहाँ कबीले में रुकने का निमंत्रण दिया था। अपने आप को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके लगातार समझाने पर फ्रैंक हंसता ही रहा। अंत में फ्रैंक ने उनसे कहा, तुम्हारे गंदे घरों की अपेक्षा मैं तुम्हारे उस भूत के साथ खुले डाक बंगले में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। इतना करके फ्रैंक अपनी कुर्सी से उठ गया। उन आदिवासियों ने उस खंडहर रूपी डाक बंगले की सफाई कर दी, खाने पीने के सारे इंतजाम भी जुटा दिए, लेकिन फ्रैंक के साथ वहां रात रुकने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंततः उसने वहां अकेले ही रात गुजारने का निर्णय लिया। थके होने की वजह से फ्रैंक को तुरंत नींद भी आ गई और वह सो गया। आधी रात तक वह गहरी नींद में सोया। फिर उसके बाद रात में ही किसी समय उसकी मच्छरदानी किसी ने खींच कर फेंक दी। फ्रैंक हड़बड़ा के उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसको कोई नजर नहीं आया। इसी बीच वहां बहुत तेजी से एक प्रकार की दुर्गंध फैलती जा रही थी। फ्रैंक अपने बिस्तर से उठा, लेकिन उसे बदबू का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से वह दुर्गंध इतनी तेज हुई कि वहां रुकना बर्दाश्त के बाहर हो गया। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और बंगले की खिड़कियों के शीशे खड़कने लगे, मानो कोई उन्हें खड़का रहा था। फ्रैंक ने लिखा है कि उसके सामने उसकी चाय की कप प्लेट किसी ने पलट कर टेबल से जमीन पर गिरा दी। उसे भारी भरकम शरीर वाले किसी व्यक्ति के चलने की आवाजें भी सुनाई पड़ रही थी, मानो कोई भीमकाय आकृति का प्राणी इधर उधर टहल रहा हो। फ्रैंक ने अपने तकिए के नीचे रखे रिवाल्वर को उठाया, गोलियां भरी और बाहर बरामदे की तरफ सतर्क कदमों से बढ़ा। उधर बरामदे के एकमात्र खंभे पर टंगी पुराने लैंप की मध्यम रोशनी माहौल को और भयानक बना रही थी। उसी मध्यम प्रकाश में फ्रैंक हीव्स ने अपने से कोई 100 गज की दूरी पे एक भीमकाय मानव आकृति को धीमे धीमे चहल कदमी करते देखा। उसके हाथ और पैर लंबे थे, लेकिन चेहरा घुटा हुआ और कंधे से मिला हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था
मानो उसकी गर्दन हो ही न। फ्रैंक अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या चीज थी। उसके पैरों के जमीन पे पड़ने से अच्छी खासी धमक पैदा हो रही थी, जो फ्रैंक को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़े रहने के बाद फ्रैंक ने उसे आवाज दी, लेकिन इसका उस आकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बदहवासी में उस अंग्रेज अफसर ने उस पर गोलियां चला दी। गोलियों का असर यह हुआ कि वह डरावनी आकृति अब फ्रैंक के करीब आने लगी। थोड़ा और करीब आने पे अब फ्रैंक उसे देख सकता था। बैठी हुई नाक, बड़े बड़े नथुने, खुले हुए मोटे होंठ, गंजा सिर, बड़ी लेकिन स्थिर पुतलियां और गड्ढों में धसे हुए झुर्रियों वाले गाल एक बड़े ही भयानक चेहरे का निर्माण कर रहे थे। वह आकृति करीब 8 फीट की रही होगी। फ्रैंक के थोड़ा और करीब आकर वह आकृति रुक गई। अब उन दोनों के बीच केवल 5 फीट की दूरी रह गई थी। उस अजीब से प्राणी के मुंह से एक हल्की सी गुर्राहट जैसी आवाज निकल रही थी, जो शायद उसके सांस लेने की आवाज थी। उस अंग्रेज अफसर के पैरों पर मानो सैकड़ों किलो का बोझ पड़ गया हो। वह एकदम मूर्तिवत सुन्न होकर खड़ा था। वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि यह कौन है और यहां क्या कर रहा है। गला पूरी तरह सूख जाने पर भी उसे अपने होठों पर जी फेरने का भान नहीं रहा। अचानक वह आकृति थोड़ा पीछे हटी और ठीक पीछे गड़े हुए 17 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने लगी। आकृति के थोड़ा पीछे हटते ही फ्रैंक को होश आया और होश संभालते ही उसने उस डरावनी आकृति पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया, लेकिन सारी गोलियां उस पिशाच के आर पार निकल गई। कुछ ही सेकंड्स के बाद वह आकृति भी खंभे पे चढ़े हुए ही गायब हो गई। डरा हुआ फ्रैंक बेतहाशा बाहर की तरफ भागा, लेकिन बंगले से बाहर कुछ ही दूरी पर एक चीख के साथ गिरकर बेहोश हो गया। उधर उन आदिवासियों को इस बात का अंदाजा था कि आज की रात उस अंग्रेज अफसर पे भारी बीतने वाली है, इसलिए कुछ साहसी नौजवानों की एक टीम डाक बंगले के बाहर खड़ी जाग रही थी। अफसर की चीख सुनते ही वो सक्रिय हो गए। वे उधर की तरफ दौड़े जिधर से आवाज आई थी। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद वह उस अंग्रेज अफसर को अपने कबीले में लेकर आए। फ्रैंक अभी भी बेहोश था। तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद दिन के उजाले में जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास आदिवासियों को पाया। अगले 24 घंटे में फ्रैंक सामान्य हो चुका था। अगले दिन उसने कबीले के कुछ पुराने बुजुर्गों के साथ उनकी टूटी फूटी भाषा में जब बात की और उनसे उस डाक बंगले के इतिहास के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि आज जहां यह डाक बंगला खड़ा है वहां पहले एक टीला हुआ करता था। उसी टीले पर इस ओरगु कबीले के देवता जूजू की पूजा होती थी और वहां जानवरों एवं मनुष्यों की बलि दी जाती थी। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने उस स्थान की अनगढ़ मूर्तियों को उठवाकर एक ओर फिकवा दिया और वहां होने वाली नरबलि बंद करा दी और उस टीले को समतल करवाकर वहां पर एक डाक बंगला बनवा दिया। अंग्रेजों के इस कृत्य पर उन आदिवासी कबीलों का देव पुरोहित बहुत नाराज हुआ और अंग्रेजों के चले जाने पर पूरे कबीले वालों को इकट्ठा करके बोला कि इस डाक बंगले को जला दो और फिर से वहां देवता की पूजा प्रारंभ करो। लेकिन अंग्रेजों के भय से भयभीत कबीले वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए। अपनी पूरी कोशिश करने पर भी कामयाब न होने पर निराश व हताश उस पुजारी ने उस डाक बंगले की तरफ उंगली दिखाकर उन कबीले वालों से कहा कि आज तुम लोग भय से मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन एक दिन यह डाक बंगला जलेगा और इसको जलाकर राख करने वाला भी कोई अंग्रेज ही होगा। यह कहकर वह पुरोहित क्रोध से उन्मत्त हुआ पागलों की तरह बड़बड़ाता और मंत्र पढ़ता हुआ उस डाक बंगले के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा
और अंत में एक रस्सी से उसी बरामदे में स्थित एक लैंप लगे हुए खंभे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आदिवासी कबीले के उन बुजुर्गों ने फ्रैंक को बताया कि तभी से उस पुरोहित की प्रेतात्मा डाक बंगले के भीतर रहती है और कोई उधर जाने की हिम्मत भी नहीं करता। उनमें से एक बुजुर्ग ने फ्रैंक को बताया कि इससे पहले भी एक अंग्रेज अफसर आया था और जिद करके रात उस डाक बंगले में रुका भी, लेकिन उसे भी उस प्रेतात्मा ने रात भर रुकने नहीं दिया और उसने भी किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। फ्रैंक के लगातार उत्सुकता से पूछते जाने पर उन्होंने थोड़ा विस्तार से बताया कि वहां ठहरने वाले अफसर आधी रात के बाद एक विचित्र प्रकार की भीषण दुर्गंध वहां के प्रत्येक कमरे से निकलती हुई महसूस करते हैं और इस भीषण गर्मी वाली जगह में जहां रात को भी लोग पसीने से तरबतर रहते हैं, वहीं बंगले में रात को कप कपा देने वाली ठंड पड़ती है। बाहर हवा बिल्कुल भी बंद क्यों ना हो, लेकिन बंगले के अंदर आंधी तूफान भी उठते रहते हैं जिनकी आवाजें कभी कभार बाहर तक भी सुनाई पड़ती है। अंग्रेज अफसर फ्रैंक हीप्स ने पूरी तन्मयता से सारी बातों की जानकारी विस्तार से प्राप्त की और जब उसे उस भूतिया डाक बंगले के प्रेतग्रस्त होने का पूरा विश्वास हो गया तो भविष्य में किसी और अफसर पर कोई संकट न आए, इसलिए उसने अपने सामने उस भूतिया डाक बंगले में आग लगवा दी और उन सब के सामने वह डाक बंगला जलकर राख हो गया। धुएं के गुबार में उठ रहे लम्हों में शांति थी, एक मुक्ति की शांति।